हर बार बरसात में एक चीज तो हमेशा नजर आती है, वो है उद्योगों द्वारा नदियों नालों में छोड़ा गया केमिकल युक्त पानी। जब भी भारी बारिश होती है, नदियों और नालों के आसपास लगे उद्योग मौके का फायदा उठाते हैं और अपनी कंपनी से निकलने वाला पानी नदियों नालों में छोड़ देते हैं और नदियों से पानी पीने वाले जानवर या तो बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसे लेकर ग्रामीण पॉल्यूशन विभाग और स्थानीय प्रशासन को हर बार शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। कंपनी से निकलने वाले पानी में इतना केमिकल होता है कि नदियों और नालों में झाग ऐसे लगती है जैसे बर्फ का पहाड़ हो। तो पॉल्यूशन विभाग भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और उद्योगों ने बारिश की आड़ में नदी नालों को जहरीला पानी का इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय रतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से नदियों में उद्योगों द्वारा पानी छोड़ा जा जहरीला पानी छोड़ा जा रहा जहरीला जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है, उसके बाद जो पशु हैं वो तो उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक है ही, लेकिन ये जो है जल प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण है, वहीं जो लोग हैं उन्हें ये कितना इफेक्ट कर रहा है? जी, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये कोई आज का मामला नहीं है, ये हर बरसात में, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, बीबीएन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है और हर बरसात में जो उद्योग है वो बरसात का जो है उसकी आड़ में, क्योंकि पानी का फ्लो ज्यादा होता है, नदियां नालों में फ्लो होता है, तो जब पानी का फ्लो ज्यादा होता है तो उद्योग जो है अपना जो वो केमिकल युक्त जो पानी है वो उसकी आड़ में जो है वहां पर छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन उद्योगों को जो वो पानी जो है केमिकल का पानी लेके जाता है वो ट्रीटमेंट प्लांट में, तो पर लीटर के हिसाब से जो है वो कंपनी को पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो पैसे बचाने की आड़ में जो है वो हर बरसात में उद्योग जो है वहां पानी जो है वो छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा कि झाग जो है, इतनी झाग जो है इस पानी में निकलती है कि इस नदी और नालों में जो पशु जो है कई बार पानी पी लेते हैं तो कई बार बीमार हो जाते हैं और कई बार हमने देखा है कि कई बार मौतें भी जो है इसकी हो जाती हैं। और दूसरा, अगर इंसानी इंसान पे अगर बात की जाए तो यही जो पानी है नदियों से होके जो है बोरवेल्स में जाता है, लोगों के बोरवेल्स में जाता है, तो उसको पीने से जो है काफी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और आपको बता दूं कि हमीरपुर में एक लैब ने टेस्ट भी किया था, जो आपको बता दूं कि कैंसर के जो है कीटाणु, जो कैंसर के जो कीटाणु टाइप जो है वो इस पानी के अंदर जो है ऑलरेडी मौजूद हो गए हैं। ये लैब में भी जो है इसी का जो है वो टेस्ट करके बताया गया है कि हवा में और पानी में जो है कैंसर के जो क्या बोलते हैं पदार्थ जो है वो यहाँ पर बीबीएन क्षेत्र में और इस वक्त जो है वो मौजूद है। आप देख लीजिए कितना खतरनाक जो है वो ये पानी है, जहरीला पानी। जी अजय, जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं ये बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इसकी सुध क्यों नहीं ले रहा? जी देखिए, प्रशासन जो है अगर चाहे तो, अगर ईमानदारी से चाहे तो कार्रवाई कर सकता है और सैंपलिंग जो है वो पानी की वहां पर ले सकता है और उद्योगों में जाकर उनके जो आउटलेट्स हैं वहां पर जाके सैंपल्स ले सकता है कि जो उनके द्वारा छोड़ा गया पानी है वो कितना जहरीला है। लेकिन जब शिकायत होती है तो जो है पोल्यूशन विभाग जो है वो कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई भी इतनी भी सख्त नहीं होती है कि भी वो जो है उद्योगों पर जो है वो तो कोई बड़ा एक्शन जो है लिया जाए। तो अब ये कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठते हैं, पोल्यूशन विभाग पर जो है सवाल जरूर उठता है, क्योंकि ये कोई एक उद्योग नहीं कर रहा, 60-70% उद्योग जो, क्योंकि फार्मा जो उद्योग जो है वो ज्यादा है और ये जो केमिकल युक्त पानी है ये फार्मा उद्योग का ही होता है, क्योंकि दवाइयां जो बनती है उनका वेस्ट जो पानी जो है वो जो है बरसातों में ये लोग छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट में अगर ये भेजते हैं टैंकर जो है लोड होकर अगर जाते हैं तो पर लीटर के हिसाब से इनको कॉस्टिंग होती है जो कि इनको बहुत महंगी जो है पड़ती है। तो यही कारण है कि ये बरसातों में जो है ये पानी जो है वो छोड़ते हैं। पॉल्यूशन विभाग हालांकि कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है कि पॉल्यूशन विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, और प्रदेश सरकार को भी जो है इस तरह से देखना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में अगर जिस तरह से कैंसर बताया जा रहा है, आने वाले समय में अक्सर लोग जो है यहाँ पर कैंसर के मरीज जो है वो तादाद जो है उनकी बढ़ सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस खबर पर जानकारी के लिए।